हे गाइस, दिस वाज माय स्किन 3 मंथ्स बैक। उसके बाद जब सेरम लगाना स्टार्ट की तो टेक्सचर एकदम चेंज हो गया। आप देखो, ये हो गया, ऐसा हो गया। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब। तो चलो, ये प्रमोशन बाद में करते हैं, अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो आज का आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं स्किन केयर के बारे में बताऊँगी। तो स्किन केयर तो मैं इतने सारे बताती रहती हूँ कि भाई ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, बट डिपेंड करता है आपके स्किन टेक्सचर के ऊपर में और स्किन टाइप के ऊपर में। तो मेरा ड्राई स्किन टाइप है, तो आपका जो भी स्किन टेक्सचर है या स्किन टाइप है, आप डिटेक्ट करके, दिस इज़ फॉर लाइक लड़के लड़कियों के दोनों के लिए है। वॉश करके आई हूँ, तो मेरा ड्राई स्किन है, तो मैं सबसे पहले तो विटामिन सी लगाऊंगी कुछ ड्रॉप्स लेकर के, उसके बाद फिर वीडियो स्टार्ट करूँगी ताकि आपको विजिबल दिखाई दे। अच्छा, विटामिन सी अब मैंने लगा लिया है, मॉइस्चराइज़र मैं अभी नहीं लगाऊंगी, सनस्क्रीन भी नहीं लगाऊंगी, ताकि मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ, डैट इज़ अल्फ़ा आरबुटिन 2% एंड हाइलुरोनिक एसिड 1% दिस प्रोडक्ट। इंडिया में क्या होता है कि हमें क्या बोला जाता है कि भाई ये नेचुरल, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है करके हमें सेल कर दिया जाता है। और हम क्या करते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट में जा कर के बस सोचते हैं कि हाँ इससे ठीक हो जाएगा। बट जो नेचुरल प्रोडक्ट है, आप जाके उनके इंग्रेडिएंट्स देखो, इंग्रेडिएंट लिस्ट में अगर आपको सैलिसिलिक एसिड मिलेगा या कुछ भी लाइक जो केमिकल फार्मूलाज है, वो तो रहते ही हैं, सारे प्रोडक्ट्स में रहते हैं। तो ये है कि नेचुरल बोल के केमिकल्स सारे प्रोडक्ट्स में रहते हैं, ठीक है। तो ये मिनिमलिस्ट जो प्रोडक्ट है, ये कुछ भी नॉनसेंस बताता नहीं है, ये सिर्फ ट्रांसपेरेंट ब्यूटी पे बताता है कि जो एसिड्स या जो भी केमिकल्स इज़ गुड फॉर योर स्किन। मैं मेरा स्किन मॉइस्चर नहीं हो रहा है या फिर वो वाटर होल्ड नहीं कर सक रहा है, तो हम लोग हाइलुरोनिक एसिड लगाते हैं। अभी तो बहुत लोग जान चुके हैं, पहले के ज़माने में इतना नहीं होता था, अभी जान चुके हैं कि क्या कैसे लगाना है। तो ये तो हो गया मिनिमलिस्ट के बारे में, ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और इसे ऑर्डिनरी का ड्यूप बोला जाता है या कंपेयर किया जाता है ऑर्डिनरी से, तो हाँ ऑर्डिनरी का पैकेजिंग एंड ऑल सेम है। मैं 3 मंथ से मैं मिनिमलिस्ट लगा रही हूँ, जिसका मैं विटामिन सी मिनिमलिस्ट अल्फा आरबुटिन विटामिन सी के साथ पेयरिंग कर सकते हो। अगर आपने विटामिन सी का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के बैक में देख सकते हो, मैंने पूरा डिटेल दिया है विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी अगर शॉर्ट में मैं बताऊं तो ये क्या करता है, आपके जितने भी लाइक फोटोजेनिक ये हो जाते हैं ना, लाइक रप्चर हो जाता है स्किन या इफ़ेक्ट हो जाते हैं यूवी रेस से, तो उसको रिपेयर करता है। और बाकी बहुत सारे बेनिफिट्स है, आप वो वीडियो देख लो। आपको दिख रहा होगा मेरे डार्क सर्कल सारे विजिबल हैं, बट हाँ मेरा स्किन टेक्सचर बहुत ठीक हुआ है। और ये ना ही बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में है और ना ही बहुत ज़्यादा जेल फॉर्म में है, ये आप देख सक रहे हो ऐसा टेक्सचर है इसका। 2 से 3 ड्रॉप आपको लेना है, आप इस तरीके से ले करके अपने स्किन में प्रेस करो, ताकि रब मत करना, प्रेस करो और 10 सेकेंड के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाता है और आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ लगाया ही नहीं है। तो ये ऑयली स्किन के लिए भी बहुत बेस्ट है और ड्राई स्किन वालों के लिए तो लाइक क्या ही बोलूं। ये देखो, एक ग्लो दे दिया है आप चेहरे में मेरे, देखो। इसका कॉस्ट है 549, मिनिमलिस्ट का प्रोडक्ट है। और इसका जो अल्फा आरबुटिन है, दिस इज़ फ्रॉम नीदरलैंड, ये मतलब इंडिया का नहीं बना हुआ है, इसे नीदरलैंड से लिया गया है। और आप इसे AM और PM दोनों में लगा सकते हो। अगर इसे लगा रहे हो और सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हो, तो डैट मीन्स ये फ़ायदा करने से ज़्यादा नुकसान करेगा। और आप जब इसे स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पैच टेस्ट करना है, चाहे जो भी स्किन टाइप हो। आपको यहाँ
इस तरफ इस एरिया में थोड़ा सा ड्रॉप लगा करके 24 आवर्स देखना है कि क्या रिजल्ट है। वो इस प्रोडक्ट में अल्फा आरबुटिन 2% है और हाइलुरोनिक एसिड 1% है। तो मुझे पहले लगा था कि इसे लगाने से बहुत ज़्यादा लाइक स्किन प्लम्प हो जाएगा, बहुत ही ड्यूई फेस दिखने लगेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ये लगाते साथ आपका स्किन में ये 10 सेकेंड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, जो आपको फील भी नहीं होगा कि कुछ भी लगा है। एकदम ड्राइनेस भी फील नहीं होगा, बट आपका वो स्किन टेक्सचर बहुत ही अलग दिखने लगेगा। आप कुछ फील नहीं कर पाओगे कि कुछ भी है आपके स्किन में, क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब इसमें हाइलुरोनिक एसिड 1% है, विच इज़ गुड फॉर लाइक ऑल स्किन टाइप। हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है, ये वाटर को होल्ड करता है, मॉइस्चर को लाइक एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को लेकर के आपके स्किन में स्टोर करके होल्ड करता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि इसके बारे में, अल्फा आरबुटिन के बारे में। तो ये क्या करता है, दिस इज़ नॉट अ ब्लीचिंग फॉर ब्लीचिंग पर्पस। आपका स्किन बहुत ज़्यादा गोरा नहीं हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट लाइक वाइट नहीं हो जाएगा। ये जस्ट मेलानिन, जिससे आपका स्किन कलर आता है ना, एक मेलानिन प्रोड्यूस होता है हमारे स्किन में। अगर सूरज की रोशनी ज़्यादा आती है तो मेलानिन वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से डार्क स्पॉट दिखते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन आते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, उसे कम करता है, प्रोडक्शन को कम करता है, ये ब्लीच नहीं करता है। ठीक है, स्किन ब्लीच नहीं करता है, मेलानिन को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, जस्ट वो प्रोडक्शन को कम करता है। अब जब प्रोडक्शन कम हो रहा है वहाँ पे, तो उस एरिया में और एक्स्ट्रा पिगमेंटेशन नहीं हो रहा है, और जो पिगमेंटेशन है उसे भी रिड्यूस करता है। तो आपका बेसिकली एक स्किन इवन टोन दिखेगा, जैसे यहाँ पे छाइयाँ हैं, यहाँ पे अलग कलर है, यहाँ पे अलग कलर है, वैसा नहीं दिखेगा, पूरा फेस एक इवन टोन में आ जाएगा, विच इज़ वेरी गुड। हमें स्किन को वाइट नहीं करना है, हमें स्किन कलर को अपना प्रोटेक्ट करना है, और स्किन कलर को एक्सेप्ट करके बस आगे बढ़ना है कि हाँ मेरा स्किन कलर ये है, बस उसे अच्छे से ख्याल कैसे रखते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट के बारे में अगर बात करें, तो इसमें एलोवेरा जूस है, देन अल्फा आरबुटिन है विच इज़ फ्रॉम नीदरलैंड, एंड देन आपका लैक्टिक एसिड है, देन सोडियम हायलोरोनेट है, देन दे आर लाइक एक बेसिक इंग्रेडिएंट है विच विल फेड योर डार्क स्पॉट एंड पिगमेंटेशन। ओके, सो इसमें क्या है, फ्रेग्रेंस फ्री है, ये सिलिकॉन फ्री है, पैराबिन फ्री है, नो एसेंशियल ऑयल, नो डाइज, नो सल्फेट्स, विच इज़ रियली गुड। और आपको 549 में एक अच्छा प्रोडक्ट मिला है, जिसका पीएच लेवल है 4.7 to 5.2। तो इसे 2 to 3 ड्रॉप्स लेना है, मैंने सारा कुछ मेंशन कर दिया है। विदाउट सनस्क्रीन कभी भी ना लगाएं, क्योंकि अगर आपका स्किन का मेलानिन कम हो रहा है, डैट मीन्स आप को प्रोटेक्ट करना है सन रेज से प्रोटेक्ट नहीं करोगे यूवी रेज से, तो फिर से हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगा। तो प्लीज़ सनस्क्रीन लगाओगे आप, इवन अगर इंडोर्स में हो तब भी आप सनस्क्रीन लगाओगे। ठीक है, अब मेरा अगर खुद का रिव्यू अगर मैं बताऊं इस प्रोडक्ट के बारे में, तो मुझे ये काफ़ी लाइक 1 मंथ मुझे बिल्कुल भी लगा नहीं था कि ये कुछ वर्क करेगा, एंड आई वाज लाइक मैंने बेकार ख़रीद लिया। देन जब 1 मंथ के बाद मैंने अपना लाइक पहले मैंने फर्स्ट यूज़ में जो मैं स्किन टेक्सचर देखी थी, उसके बाद फिर मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि हाँ फ़र्क बहुत हुआ है। उसके बाद अभी 3 मंथ्स के बाद मेरी स्किन एकदम क्लियर स्किन हो गई है, थोड़ा बहुत है वो तो सब और भी अच्छा होता जाएगा। अब 6 मंथ के बाद मैं रिव्यू दूंगी कि मेरा स्किन कैसा हुआ है 6 मंथ के बाद, क्योंकि ये 6 मंथ बॉटल चलेगा। तो अगर जिनके बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन है, प्रॉब्लम है, तो वो अल्फा आरबुटिन प्लीज़ स्टार्ट कर दे लगाना। तो ये था मेरा वीडियो अल्फा आरबुटिन के बारे में, जो आप विटामिन सी के साथ पेयर कर सकते हो और लगा सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगी
नियासिनामाइड के ऊपर में, जिसमें 5% नियासिनामाइड है एंड हाइलुरोनिक एसिड 1% है, इसका सेपरेट वीडियो। तो ये 3 मैजिकल सीरम था मेरे 3 मंथ्स के रिजल्ट में। लाइक स्किन टेक्सचर इतना अच्छा इम्प्रूव किया है ना गाइस, ट्रस्ट मी, गो फॉर दिस। मैं क्या बताऊँ, आप देख लो मेरे थंबनेल में। चलो आज का वीडियो एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक, और क्या, कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा और आप यूज़ करके आपको कैसा लगा। उसके बाद फिर मुझे भी अच्छा लगेगा कि अगर मेरे नॉलेज किसी तक पहुँचे और उन्हें फ़ायदा हो।